गुण स्थान भाव या वस्तु के नाम बताने वाले देखिए किसी व्यक्ति गुण स्थान भाव या वस्तु के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अभी देखिए कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है, कोई भी स्थान का नाम हो सकता है, सभी इसको एक करने वाले इसे क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिए, अगर आपके पास वह बुक है तो क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। हाँ देखिए, किसी व्यक्ति गुण स्थान भाव या वस्तु के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति रह सकता है, कोई महापुरुष हो सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति हो सकते हैं, या कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम देखिए यहाँ पर देखिए, हाँ जी ने, व्यक्ति का नाम मतलब क्या है, किसी का भी नाम। कि ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिशियन का नाम ले, कोई बड़े व्यक्ति का नाम ले, ऐसा नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है। व्यक्ति का नाम देखिए, तो व्यक्ति का नाम कौन कौन से आ सकते हैं, कोई चंदन आ सकता है, राम आ सकता है, रावण आ सकता है, तो कोई शीला गीता ना, कोई लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी जी, कोई भी क्या कर सकते हैं, किसी का भी नाम। यहाँ पर अगर उसका नाम व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्योंकि बच्चों ने इसे पढ़ने का तरीका कैसा है, आप लोग ज्ञ को हिंदी में ज्ञ कहकर आप उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्ञ नहीं ज्ञ बोला जाता है, हिंदी में ज्ञ बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ज्ञ है, ज्ञ नहीं है, ज्ञ है। तो इसका उच्चारण कैसे होता है, ज्ञ संज्ञा ज्ञानम ज्ञानम, हाँ ऐसे उसका क्या करना है, नाक से निकालना है। तो देखिए ये हो गया व्यक्ति का नाम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, तो व्यक्ति का नाम हो गया गुण। गुण का मतलब क्या है, कोई भी गुण, कोई भी कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर अच्छा है, बुरा है, कड़ूस है, कोई भी गुण हो सकता है, बुरा हो सकता है। गुण का मतलब क्या है, अच्छा बुरा सुंदर, कोई भी ऐसा गुण हो सकता है। कोई भी अगर एक वाक्य में अगर आपको कोई अगर ऐसे शब्द आएंगे, वह लड़का सुंदर है, वह लड़का बहुत बुरा है, वह लड़की अच्छी है, अगर यह शब्द उसमें आएंगे तो अगर आपको कहेंगे कि इस शब्दों में जो संज्ञा के शब्दों को छुनिए, अगर आपको ऐसे कहा जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, छुन सकते हो। देखिए गुण हो गया स्थान का नाम। देखिए स्थान का नाम मतलब है कोई भी स्थान रहता सकता है।
हो सकता है। अभी देखिए, तो व्यक्ति का नाम, गुण, स्थान, भाव हो गया। अभी क्या रह गया? वस्तु के नाम। तो वस्तु के नाम, कोई वस्तु का नाम मतलब कोई भी वस्तु हो सकता है, कागज, टेबल जो मेज कहते हैं, कुर्सी, कलम, किताब, कोई भी ऐसे क्या हो सकता है, नाम हो सकते हैं। कागज, कलम, मेज, कुर्सी, कुर्सी, कोई भी अगर वस्तु का नाम यहाँ पर प्रकट हो रहा है, कोई वाक्य में अगर वस्तु का नाम आ रहा है, तो अगर आपको कहेंगे कि वस्तु जो संज्ञा के शब्द को छूए, तो वस्तु का नाम है तो वो भी क्या है, संज्ञा के लिए उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, ये समझ में आ गया कि संज्ञा किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर किसी व्यक्ति, गुण, स्थान, भाव या वस्तु के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। और व्यक्ति का नाम तो कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, गुण कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, गुण कोई अच्छा, बुरा, खड़ूस कोई भी हो सकता है। स्थान का नाम तो कोई भी स्थान का नाम ले सकते हो आप लोग, कानपुर, उदौर, दिल्ली, बेंगलोर, ताजमहल, इस्कॉन टेम्पल, कोई स्थान का नाम ले सकते हो आप। तो भाव, तो कैसे भाव, फीलिंग प्रकट करते हैं हम, कोई भी अगर फीलिंग वाला, कोई भी भाव वाला अगर शब्द है कोई वाक्य में, तो क्या है, कौन से शब्द है, वो संज्ञा के शब्द है। अभी वस्तु के नाम, कोई भी वस्तु रह सकता है, कागज, कुर्सी, टेबल, मेज, फैन, अलमारी, या ब्लैक बोर्ड, उसे क्या कहते हैं, उस ब्लैक बोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, शाम पट कहते हैं, और व्हाइट बोर्ड को सफ़ेद पट कहते हैं। तो कोई भी वस्तु का नाम अगर उसमें रहेगा तो संज्ञा के लिए उदाहरण है। समझ में आ गया बच्चों? तो मैं क्या मैं बता सकती हूँ इसको, जैसे जैसे मैं आपको नोट्स लिखाऊंगी, तो नोटबुक में नोट्स लिख लो, बाद में मैं क्या करूँगी, आपको नोट्स भेजूंगी, नोट्स भेजूंगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नया बुक बना के उसमें लिखना पड़ेगा। अभी संज्ञा की परिभाषा होगी, संज्ञा में कितने भेद हैं, संज्ञा में तीन भेद, मुख्यतः तीन भेद हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से और दो भेदों को हमने स्वीकार किया है। तो देखेंगे कौन कौन से मुख्य भेद हैं और कौन कौन से अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हमने दो और भेदों को स्वीकार किया है। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद देखिए, भेद, रूप, प्रकार सभी एक ही है, टाइप्स ऑफ संज्ञा, टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए संज्ञा के भेद तो कितने, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा संज्ञा के कितने भेद हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पांच लिखना पड़ेगा। अगर मुख्यतः कितने भेद हैं, मुख्यतः संज्ञा के भेद कितने हैं, तो तीन लिखना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन से हैं, संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं, तीन हैं, मुख्य भेद कितने हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हाँ, यहाँ पर देखिए संज्ञा के अगर मुख्य भेद अगर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, तो क्या क्या लिखना है, तीन है, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीन मुख्यतः भेद है। अगर आपको पूरे संज्ञा के भेद कितने हैं अगर पूछा जाएगा, तो पांच लिखना है। तो देखिए अंग्रेजी, इसके नीचे लिखते हैं आप अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से
हमने स्वीकार किया है। देखिए कौन कौन से हो, चौथा कौन सा है वो, देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और कौन सा है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, संज्ञा के भेदों को मैंने बोर्ड पर लिखाया है। तो अगर संज्ञा के भेद कितने हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा संज्ञा में पांच भेद हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अगर आपको संज्ञा के मुख्यतः भेद कितने हैं अगर पूछा जाएगा तो तीन ही लिखना है। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण हमने क्या किया, और दो भेदों को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है हमने, और दो टाइप्स को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो कौन कौन से हो, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो समझ में आ गया बच्चों, देखिए पूरा नोट्स बनाइए अगर तो दो दिन के बाद में क्या करके पूरा नोट्स आपको जो भी वर्णमाला पढ़ाया है, वर्ण विच्छेद पढ़ाया है, संज्ञा पढ़ाया है, तीनों का नोट्स में क्या करूँगी आपको भेजूंगी। समझ जो साइंस ऐप है उसके दौरान, नहीं तो बीच में आप दौरान आपको नोट्स आप तक पहुँचाऊंगी। वो पहले क्या करें, ऐसे ही क्या कर रहा हूँ में नोट्स बनाइए तो आपके लिए पढ़ाई के लिए सहायता होगी। तो मिटा सकती हूँ मैं, तो पहले हम क्या करेंगे, कौन कौन से जो मैंने डेट लिखा है उनकी जानकारी एक एक करके आपको समझाऊंगी। तो पहले क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो पहला क्या कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक में क्या आता है, कोई भी पर्टिकुलर नाम, हाँ कोई भी, अगर प्रत्येक का नाम ले रहे हैं, अभी देखिए राम ने ही फल खाया, तो राम का नाम ले रहे किसी ने फल खाया ऐसे नहीं कह रहे हैं, अभी पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं कि राम ने ही फल खाया। अभी पर्टिकुलर अगर नाम ले रहे हैं तो किसी व्यक्ति का उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसकी परिभाषा लिखाऊंगी मैं, किसी विशेष प्राणी वस्तु स्थान आदि के नाम को बोध कराने वाले या व्यक्त कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। Yeah.
वाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। अगर जानवर ले रहे हैं, फूड का नाम ले रहे हैं, तो आपको मैं यही क्लियर करा दूंगी कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर है, क्या उसमें डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर अगर जानवर का नाम ले रहे हैं, फूड का नाम ले रहे हैं, तो पर्टिकुलर नाम नहीं लिया हमने, तो सिर्फ नाम ले रहे हैं जो फूड का ले रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर नाम ले रहे हैं तरह मोगरा, मोगरा फूल का नाम ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, मोगरा फूल ही क्या आएगा, उसमें व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर सिर्फ फूल का नाम ले रहे हैं, किसी का फल का नाम ले रहे हैं, जानवर का नाम ले रहे हैं, तो किस में आएगा वो, इसमें आएगा जातिवाचक में, क्या क्या है वो, जातिवाचक है ये, हाँ एक जाति है, लेकिन ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। कोई भी विशेष प्राणी का नाम ले रहे हैं, कोई किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं, तो स्थान का नाम ले रहे हैं, वो इसमें किसके लिए उदाहरण है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। तो समझ में आ गया बच्चों, हाँ ये क्या है, तो देखिए यहाँ पर, तो इसके लिए आप मैं क्या करूँगी, आपको उदाहरण दिखाऊंगी। कोई व्यक्ति का नाम, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो व्यक्ति क्या है, वो एक जाति है, जाति के लिए उदाहरण है, लेकिन व्यक्ति में राम ही आ रहा है, श्याम ही आ रहा है, तो पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, इसके लिए उदाहरण है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। राम कलम, तो किसी चीज का नाम, कोई वस्तु का नाम ले रहे हैं, तो कोई चीज है वो, किसी को पता नहीं है कि कोई चीज क्या है, तो किसके लिए उदाहरण है, वो जाति के लिए, जातिवाचक के लिए, कोई जाति बता रहे हैं हमें इस वस्तु का, लेकिन कौन सा वस्तु है, पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं, तो अगर नाम ले लिया, इसके लिए उदाहरण होगा वो व्यक्तिवाचक के लिए होगा। देखिए स्थान का नाम, तो गांव, तो देखिए अगर गांव का नाम ले लिया, तो हमने वो क्या होगा, वो जातिवाचक होगा। अगर हमने एक गांव का, पर्टिकुलर गांव का नाम ले लिया, मुधोल, लोकापुर, दिल्ली, ताजमहल, कोई अगर स्थान का नाम ले रहे हैं, तो क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। अभी देखिए, तो इस विशेष प्राणी का, वस्तु का, स्थानी स्थान आदि के नाम को जो बोध कराते हैं, व्यक्त कराते हैं, बोध कराना का मतलब व्यक्त करना, व्यक्त करते हैं, इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो शायद सबने नोट्स बना लिया है, तो नोट्स को उसमें नोट्स बनाइए, दो दिन में आपको क्या करूँगी मैं, नोट्स भेजूंगी। तो देखिए किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण के लिए कोई भी नाम लिख सकते हो, पर्टिकुलर नाम, कोई पर्टिकुलर पानी का नाम लिख सकते हो आप उदाहरण के लिए, कोई पर्टिकुलर वस्तु का नाम लिख सकते हो, या पर्टिकुलर स्थान का नाम लिख सकते हो, प्रत्येक जो स्थान के बारे में इसका जो ये होता है उसका नाम आप लिख सकते हो। तो देखिए अभी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो दूसरा कौन सा है, दूसरा देखिए जातिवाचक संज्ञा, देखिए तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, जो शब्द किसी प्राणी, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, या बोध कराने वाले शब्दों को वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं।
कहती थी दोनों में अंतर जानना है, दोनों में डिफरेंस क्या है यह पहले पहचानना है। तो जाति वचक क्या है, जानवर एक जाति है, मनुष्य एक जाति है, औरत एक जाति है, तो भाई बहन सभी एक जाति है। अगर उसमें उस जाति में पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, हाँ देखिए भाई का मतलब मेरा भाई आ रहा है, तो भाई क्या है जाति है, लेकिन भाई का नाम ले रहे हो आप पर्टिकुलर, अपने भाई का नाम ले रहे हो या बहन का नाम ले रहे हो, तो वो क्या है व्यक्तिवाचक के लिए उदाहरण है। सिर्फ इतना अंतर जानो, परिभाषाएं दोनों एक ही है, सिर्फ इतना चेंज होता है उसमें जाति का चेंज होता है। तो परिभाषाएं हमेशा कंटस्थ मत कीजिए, बहट मत कीजिए, कोई भी परिभाषा को बहट मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझकर अगर आप पढ़कर समझोगे तो आपके दिमाग में पूरे जीवन पर्व तक आपको याद में रहेगा। अगर आप बहट करने की कंटस्थ करने की कोशिश करोगे तो आपके आपके दिमाग में सिर्फ एक महीना एक साल तक रहेगा, ऐसा नहीं होना है। तो जिंदगी भर याद रखने के लिए कोई भी कंटस्थ मत कीजिए आप। हाँ देखिए यहाँ पर, जो शब्द किसी प्राणी वस्तु स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए जानवर, मनुष्य, जानवर मनुष्य, भाई बहन, कोई भी ऐसा हो सकता है, भाई बहन पिता सभी एक जाति है। किसके पिता मन नहीं है हमें, हाँ उसके पिताजी ने मुझे आज मारा, किसके पिताजी ने मारा मुझे, यहाँ मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ। देखिए राकेश के पिताजी ने मुझे मारा, संतोष के पिताजी ने मुझे मारा, अगर पर्टिकुलर इसका नाम ले रहे हैं तो संतोष के पिताजी ने, पिताजी शंकर जी ने मुझे मारा, पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं तो व्यक्तिवाचक की संज्ञा के लिए उदाहरण है। यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ मैं, तो क्या है इस किसके लिए उदाहरण है, ये जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण है। तो देखिए जो शब्द किसी प्राणी वस्तु स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण जानवर, मनुष्य, भाई, बहन, और भी कोई भी जातिवाचक संज्ञा के लिए उदाहरण अगर आपको याद है तो लिख सकते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो जाति का। तो देखिए अभी भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको लिखाऊंगी। तीसरा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए यहाँ पर, तो भाववाचक संज्ञा क्या है, किसी फीलिंग्स, कोई भी फीलिंग हो सकता है, कोई भी खुशी का महसूस हो सकता है, कोई दुख का महसूस हो सकता है, कोई भी अगर कोई मार दिया तो उसका मन में दुख का भाव जो प्रकट रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसकी परिभाषा देखेंगे, किसी गुण दोष मन के भाव आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ देखिए किसी गुण दोष मन के भाव आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और एक बात बच्चों देखिए यहाँ शब्द शब्द होने के बाद हाँ ओ की मात्रा के बाजू में मैंने डॉट लगाया है, क्या है वो डॉट का अर्थ, बिंदु का अर्थ क्या है, अगर शब्द है सिंगल प्लूरल है ना, देखिए यहाँ पर अगर डॉट लगा दिया तो प्लूरल भाव प्रकट कर रहा है, समझ में आ गया। देखिए शब्द अगर लिख लिया तो कोई भी पॉइंट नहीं होगा क्योंकि शब्द एक ही है, वो एक ही है, वो सिंगल एक है। अगर शब्दों के
लड़का तो बहुत ईमानदारी को ऑनेस्ट होते हैं हम जो, हाँ वो लड़का तो बहुत ईमानदारी है, उसे उस लड़का बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी क्या है ये एक गुण का प्रकट कर रहा है। चालाकी, वह लड़का बहुत चालाक है, वह लड़का बहुत चालाक है, क्लेवर है, हाँ तो उसके क्या है उसके अच्छाई के बारे में, गुण के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया बच्चों वाचक संज्ञा की परिभाषा। उदाहरण, किसी गुण दोष मन के भाव आदि को प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए लाभ, हानि, ईमानदारी, चालाकी। अगर आपको कोई भी अगर ऐसे शब्द पता है, हाँ कोई भी अगर आपको ऐसे शब्द पता है जो वाचक संज्ञा से सम्मिलित है तो आप लिख सकते हो। अभी हम क्या करें, छोटा टूटा है, अभी हमने जो मुख्यतः तीन भेद है कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी देखिए जो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से, अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से और दो भेदों को हमने स्वीकार किया है, कौन कौन से हैं वो, द्रव्यवाचक और कौन सा है जो समूहवाचक, इन दोनों भेदों के बारे में जानेंगे हम। तो चौथा कौन सा है, तो अगर आपको एग्जाम में आएगा ना कोई संज्ञा के भेदों के लिखिए, मतलब संज्ञा के भेदों को लिखने के लिए कहा जाता है तो पूरा पूरे पांचों को लिखना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने मुख्यतः भेदों को नहीं पूछा आपसे। अगर हम मुख्यतः भेद को पूछ रहे हैं तो कौन कौन से लिखना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अगर अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से और दो स्वीकारे गए दो भेदों को पूछेंगे आपसे तो कौन सा लिखना पड़ेगा आपको, कौन कौन से, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दो ही लिखना है आपको। अभी देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए आप तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, कि संज्ञा शब्दों से पीतल भी हो सकता है,
तो ये क्या है आखिरी संज्ञा का भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों या संस्थाओं का समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह का मतलब क्या है ग्रुप, समूह का मतलब क्या है ग्रुप है। तो समूह देखिए जो जब भी आपका कोई ये आता है देखिए कोई सेना, तो सेना किससे बनती है सिर्फ एक व्यक्ति अगर सेना में रहेगा तो सेना ही कहलाएगा और पूरे लोगों का लोगों से मिला हुआ है ये है उसे सेना कहते हैं। अभी देखिए कक्षा क्लास किसे कहते हैं, अगर एक बच्चा है तो उसे हम कक्षा नहीं कहेंगे। अगर पूरे विद्यार्थियों का समूह रहेगा पूरे छात्रों का समूह रहेगा उसे क्या कहते हैं कक्षा कहते हैं। कक्षा भी क्या है समूहवाचक संज्ञा के लिए। अभी देखिए जानवरों का झुंड जो बोलते हैं काला मित्र अगला हिंदू है तो उसे क्या किसके लिए उदाहरण है समूहवाचक के लिए उदाहरण है। अगर उस समूह में सिर्फ एक रहेगा जानवर तो उसे हम झुंड नहीं कहते। तो पूरे बहुत सारे जानवर रहेंगे या कोई ये गाय रहेगा हाँ उसके लिए भैंस रहेगा उसके लिए क्या कहते हैं झुंड कहते हैं। अभी देखिए फूल का गुच्छा, तो फूल का गुच्छा कैसे बनता है एक अगर हम फूल को डालेंगे गुच्छे में तो गुच्छा कहलाएगा क्या वो गुच्छा तभी कहलाता है जो बहुत सारे अगर इसको डाल दिया हमने बहुत सारे फूलों को हमने इकट्ठा करके एक बांध दिया तभी आपको क्या कहते हैं बुके कहते हैं फूल का गुच्छा कहते हैं हम। हाँ देखिए उसके उदाहरण सेना कक्षा कक्षा क्या है क्लासरूम ले लिया है समूहवाचक संज्ञा के लिए एक उदाहरण है वो भी। तो परिवार भी क्या है एक उदाहरण है समूहवाचक के लिए। परिवार में अगर एक सदस्य रहेगा उसे परिवार नहीं कहेंगे हम, परिवार तभी कहलाता है जो बहुत सारे सदस्य हो उसे पूरा परिवार कहते हैं। तो देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों या समूह संस्थाओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए फूल का गुच्छा, सेना, कक्षा, परिवार, कोई भी दल हो सकता है। कोई भी दल में क्या है सिर्फ एक व्यक्ति से दल नहीं बनता हो, बहुत सारे अगर व्यक्तियाँ मिलेंगे तभी वो दल कहलाएगा। तो देखिए पूरे मैंने पाँचों इसको बढ़ा